हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण से ये पहले स्कंद बाल कांड के पहले अध्याय, जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। संपूर्ण रामायण का सार इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं नारद मुनि। तो एक एक स्कंद को यानी एक एक कांड को नारद मुनि कुछ कुछ श्लोकों में 10, 12, 15, 15, 20, 20 श्लोकों में लिखकर वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं किष्किंधा कांड पूर्ण हो चुका है, और उसके पश्चात जो है सुंदर कांड पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कल इस श्लोक पे चर्चा किया था, अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागता निजघान चतुत्रैनम सरेकैन राघव। तो इस श्लोक पे चर्चा कर लिया था कि वाली आते हैं और वह सुग्रीव भगवान रामचंद्र को बोलते हैं और वध इस प्रकार से रामचंद्र कर देते हैं। इसके पश्चात जो है बालकांड चालू होता है, जहाँ पे वाली अपने समस्त वानर सेनाओं को भेज देते हैं सीता माता की खोज के लिए। और वहाँ पे ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर हनुमान बलि सतयोजन विस्तीर्णम उपलुवे लवार्णवम। तो वहाँ पे सम्पाति के द्वारा सूचित करने पे, हनुमान जी जामवन के द्वारा प्रेरित करने पर 100 योजन के समुद्र को, विशाल समुद्र को लांग करके लंका पहुंच जाते हैं। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोक वनिकां गतां। ये भी हमने कल चर्चा किया था कि हनुमान जी वहां पे पहुंच के माता सीता को देखते हैं कि पूर्ण रूप से भगवान राम पे समाधिष्ट माता सीता दुखी दिखती हैं। अब आज के श्लोक में पंडित कर रहे हैं, निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य चा समाश्वास्य च वैदेहीन मर्तयामास तोरणम। हनुमान सबमिटेड अ टोकन ऑफ रिकॉग्निशन टू सीता देवी रिलेटेड टू हर द इवेंट्स दैट हैड ट्रांसपायर्ड एंड सो ऑन एंड कंसोल्ड हर। देन ही डिस्ट्रॉयड द गेट फॉर अशोक वन। तो वो सार रूप में ही, क्योंकि ये सार है, इसका विस्तार से तो सुंदरकांड में वर्णन किया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे सार रूप में एक ही श्लोक में बता रहे हैं कि हनुमान जी किस प्रकार से ढूंढते ढूंढते माता सीता को अशोक वन में प्राप्त करते हैं। और वहाँ पे उनके समक्ष जा करके उनको सब कुछ बताते हैं जो भी घटना हुई है, और इस प्रकार से माता सीता को सांत्वना देते हैं, प्रभु तो रामचंद्र के दूत बन क्या है, सब वर्णन करते हैं। और फिर फाइनली अशोक वन का जो गेट है, द्वार है, उसको नष्ट कर देते हैं। देन हनुमान सबमिटेड लॉर्ड रामाज रिंग एज अ साइन ऑफ हैविंग बीन सेंट बाय रामचंद्र एंड रिलेटेड द वेरियस इवेंट्स दैट हैड ट्रांसपायर्ड आफ्टर सी हैड बीन टेकन अवे रावण। तो विशेष रूप से माता सीता को विश्वास हो कि हनुमान राम दूत हैं, इसके लिए भगवान रामचंद्र के द्वारा दिया हुआ रिंग जो है अंगूठी हनुमान जी माता सीता को दिखाते हैं। तो माता सीता वो देख के समझ जाती हैं कि यस, ये राम दूत है, राम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। तो यहाँ पे एक बात की सूचना मिलती है कि हालांकि सुग्रीव ने अपने सारे जो है असंख्य वानरों को भेज दिया था चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए, लेकिन भगवान रामचंद्र को पूर्ण विश्वास था कि ये जो कार्य है ये बहुत ही कठिन कार्य है और ये हनुमान जरूर कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी को ही उन्होंने अंगूठी दिया था, हनुमान जी वो कार्य कर पाए। और माता सीता को मिलने पे उन्होंने माता सीता को रिंग दिखाया। लॉर्ड रामा हैड एस्टेब्लिश अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद सुग्रीवा, सुग्रीवा हैड असेंबल्ड हिज आर्मी एंड सो ऑन इन प्रिपरेशन फॉर लॉर्ड रामास अराइवल एट लंका। ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हर दैट रामा वॉज एक्सक्लूसिवली थिंकिंग ऑफ सीता। तो हनुमान जी सब कुछ बताते हैं कि भगवान रामचंद्र किस प्रकार से सुग्रीव के साथ मित्रता हो चुकी है, और सुग्रीव अपने असंख्य वानर सेनाओं के साथ पूरी तैयारी में है, रामचंद्र भगवान उनके साथ सबको लेकर के आने वाले हैं लंका और आपको यहाँ से मुक्त करेंगे। और साथ ही साथ में
राम भगवान रामचंद्र की दशा का भी वर्णन करते हैं हनुमान जी, कि जिस प्रकार से माता सीता राम के विरह में लंका में बिल्कुल दुखी हैं, और हमेशा पिछले श्लोक में बताया है ध्यायन्तम, माता सीता हमेशा कॉन्स्टेंटली हर क्षण भगवान रामचंद्र के बारे में स्मरण करती हैं। उसी प्रकार से भगवान रामचंद्र की भी दशा वैसी है, भगवान रामचंद्र भी विशेष रूप से माता सीता के बारे में सदैव स्मरण करते रहते हैं। नैव दंशान न मस्कान न कीटान न सरीसृपान, राघवो अपनयेद गत्रात्वद गतेनंतरात्मना। बिकॉज ही इज एब्जॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ यू, ही नो लॉन्गर ड्राइव्स अवे फ्लाइज इंसेक्ट्स वॉर्म्स एंड स्नेक्स फ्रॉम हिज बॉडी। तो हनुमान जी, ये 5वें स्कंद के 36वें अध्याय का 42वें नंबर श्लोक को यहाँ पे उद्धृत किया गया है। तात्पर्य में हनुमान जी अपने सब जब वहां पे मिलेंगे, वहां पे डिटेल में चर्चा की जाएगी। हनुमान जी मिलते हैं माता सीता से, तो बताते हैं इस बात को अंदाजा लगाने के लिए कि रामचंद्र भगवान किस प्रकार से माता सीता के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान रामचंद्र इस भाव में इतने पूरी तरह से निवेशित चेतना में आपके विषय में सोचते हैं, विचार करते हैं, कि उनके शरीर में कोई अगर कीट मकोड़ा या मक्खी भी आ जाती है तो वो उसको भी हटाते नहीं, यहाँ तक कि वॉर्म्स एंड स्नेक्स भी बताया गया। भगवान तो वनवास में थे, वनवास में हैं तो नीचे सोते थे, तो कई बार अलग अलग ये सब आ जाते थे, तो यहाँ तक कि अगर सर्प भी आ जाता है भगवान रामचंद्र को पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने ज्यादा वो माता सीता के बारे में चिंतन में खोए हुए हैं, तो सर्प को, कीट मकोड़े को, मक्खियों को भी अपने शरीर से हटाते नहीं। तो इससे ये हनुमान जी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप यहाँ पे भगवान राम के विरह में दुखी हैं, उसी प्रकार से राम भी निरंतर आपके बारे में विचार करके दुखी हैं। हनुमान कंसोल सीता देवी, देवी योर बिलीवड राम विल इमीडिएटली कम हेयर, और इसलिए माता सीता को सांत्वना देते हैं कि आपके प्रिय राम निश्चित रूप से बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले हैं और आपको मुक्त करने वाले हैं। पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्री सुतानपि शूरम् अक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागम। ही किल्ड 5 फ्रंटलाइन सोल्जर्स हेडेड बाय पिंगल नेत्र एंड 7 मिनिस्टर्स सन्स हेडेड बाय जंबुमाली। He also crushed the heroic अक्षय कुमार नहीं है, अक्षय कुमार, तो महान योद्धा अक्षय कुमार को, रावण सेकेंड सन, रावण का दूसरे पुत्र को भी वध कर दिया हनुमान जी। एंड बिकेम अरेस्टेड बाय द ब्रह्मास्त्र एम्प्लॉयड बाय इंद्र जी। तो हनुमान जी अकेले ही इतना सब कुछ माता सीता को बस खोजने गए थे, और यहाँ पे वो किल्ड 5 फ्रंटलाइन सोल्जर्स, पंच सेनाग्रगान हत्वा, अग्रगान, अग्रगान मतलब बिल्कुल जो सेना के प्रमुख 5 लोगों को हनुमान जी वध कर दिए, पिंगल नेत्र जिनका नेतृत्व तो पिंगल नेत्र कर रहे थे, और उनको मार करके सप्तमंत्री सुतान अपि, और 7 मंत्रियों के जो सूरम, सूरम मतलब बहुत ही हीरोइक यानी महारथी, 7 मंत्रियों के पुत्रों को जंबुमाली नाम से जो विख्यात एक पुत्र थे, तो उनसे उनके समेत 7 पुत्रों को वो वध कर देते हैं, और साथ ही साथ में अक्षय कुमार रावण का दूसरे पुत्र का भी वध कर देते हैं। निष्पिष्या क्रष्ट, यहाँ पे लिखा है निष्पिष्या मतलब क्रष्ट यानी कुचल देते हैं पूरी तरह से, ग्रहणम, और इस प्रकार से इंद्र जी जब देखते हैं कि इतना भयानक तरीके से हनुमान जी सबका वध करते जा रहे हैं, कुचलते जा रहे हैं, तो इंद्र जी ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान जी को अरेस्ट कर लेते हैं, किडनैप मतलब अरेस्ट कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और उसके पश्चात उनको सभा में पेश किया जाता है, रावण की सभा में। अस्त्रेणोन्मुक्तम आत्मानं ज्ञात्वा पैतमहाद्वरात् मर्श्यन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिनस्तान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीं।
रामाय प्रियमाख्या तुम पुनरायन महाकपि। बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। द हीरोइक ग्रेट मंकी हनुमान गॉट टू नो दैट ही वॉज रिलीज फ्रॉम द ब्रह्मास्त्र बाय ब्रह्मास गुण विथ नो एफर्ट फ्रॉम हिज एंड फॉर गिविंग द ऑफेंसेस ऑफ द राक्षसास हु हैड टाइड हिम अप एंड हु वर ड्रैगिंग हिम हियर एंड देयर ही बर्नड द सिटी ऑफ लंका एक्सेप्ट द रेसिडेंस ऑफ द प्रिंसेस ऑफ मैथिली एंड रिटर्न टू इन्फॉर्म राम ऑफ द गुड न्यूज अबाउट सीता। यहाँ पे सुंदरकांड की समस्त घटनाओं को एक श्लोक में निष्कर्ष रूप में नारद मुनि बताते हुए ये सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सुंदरकांड में जब हम पहुंचेंगे तो बड़ा सुंदर इसका व्याख्या प्राप्त होगा। अभी केवल सार रूप में इतने एक श्लोक में ही ये सब वर्णन कर दिए। दो श्लोकों में 74-75 श्लोकों में ये हनुमान जी को बंदी बनाने के पश्चात हनुमान जी ने किस किस प्रकार से वो ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुए और फिर पूरी लंका को जला दिए और उसके पश्चात राम के पास पहुंच भी जाते हैं। ये सब घटना जो है दो श्लोकों में इतना सुंदर तरीके से वर्णन कर रही है। इसको पढ़ के इतना सुंदर लग रहा है। जब वास्तव में 5वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे तो और वो जो है आनंददायक हो। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि द हीरोइक ग्रेट मंकी हनुमान महाकपि। महाकपि मतलब ग्रेट कपि। अस्त्रेन मुखा अस्त्रेन मुक्तम आत्मानम ज्ञात्वा पैतमहाद्वरात। ब्रह्मा जी से ये वरदान था कि ब्रह्मास्त्र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी के वरदान से मुक्त हो गए हनुमान जी। मर्षियन राक्षसान वीरो यंत्रिनस्तान यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं। और इस प्रकार से वो जो अपराध किए थे राक्षस लोग तो हनुमान जी का भी विचार को सजा देने का नहीं था। उनको तो सेवा मिला था आप सीता माता को खोज के लाओ और वो उन्होंने कर दिया था। अब उनको तुरंत हनुमान जी इस मतलब इस तत्परता में थे कि कैसे मैं यहाँ से जल्दी यहाँ से जाऊं भगवान राम के पास और उनको ये सूचना दूं कि माता सीता कहाँ पे। क्योंकि भगवान राम इस सूचना के बिना पल पल एक एक क्षण में भगवान राम चिंतित हैं। इसलिए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से मुक्त होते ही तुरंत जो है वो राक्षसों को फिर वध करने के लिए तत्पर नहीं हुए। उनको माफ कर दिए। लेकिन उन लोगों ने जब उनके पूछ में आग लगाने का प्रयास किया तो उसके फलस्वरूप हनुमान जी ने लंका को जला दिया और केवल माता सीता का जो स्थान था शोक वाटिका उसको छोड़ करके पूरी लंका को वो जला देते हैं। और तत्पश्चात रिते सीताम च मैथिलीं रामाय प्रियम आख्यातुम पुनः आयान महाकपि। तो इस प्रकार से वो हनुमान जी पुनः वापस चले जाते हैं भगवान राम को सूचना देने के लिए। हनुमान सर्टेनली बिकेम अ फेमस हीरो बिकॉज ऑफ असॉल्टिंग लंका दैट वॉज प्रोटेक्टेड बाय रावण। द लंका दैट कुड नॉट बी असॉल्टेड बाय द सुरास और द असुरास। उस लंका को हनुमान जी ने जला के राख कर दिया था जिसको रावण पर्सनली व्यक्तिगत रूप में रावण अपनी शक्ति से सुरक्षित रखता था। और वो लंका जिसको देवता और असुर कोई भी उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता था ऐसी लंका को हनुमान जी ने जल्दबाजी में ही जला के राख करके चले गए। कुछ योजना नहीं बनाए थे। योजना बना के युद्ध नहीं करने वाले थे। उनको तो जल्दी थी कि जल्दी यहाँ से निकलना है भगवान राम के पास जाके सीता माता का जो है समाचार सुनाना। लेकिन उतने में ही जाते जाते ही काम निपटा के चले गए कुछ। तो जो कार्य हनुमान जी ने जल्दबाजी में जाते जाते निपटाते हुए चले गए करके वो जो कार्य है वो तो बड़े बड़े देवता और असुर लोग भी उसको नहीं कर सकते थे। तो ये हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं हनुमान जी की शक्ति का। शी वॉज अ ग्रेट मंकी फॉर ही कुड किल मेनी राक्षस विदाउट गेटिंग हर्ट। सीता अलोन वॉज नॉट बर्न्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायनेस्टी। हनुमान रिटर्न टू इन्फॉर्म रामचंद्र ऑफ द गुड न्यूज ऑफ हैविंग मेट सीता देवी। इस प्रकार से लंका केवल सीता माता के रेसिडेंस यानी आवास निवास स्थान को छोड़ करके सब कुछ जला के हनुमान जी पहुंच जाते हैं राम भगवान को ये न्यूज समाचार सुनाने के लिए। सो अब अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा सीतेति तद्वतः।
दैट वन ऑफ इमेजरेबली इंटेलिजेंस सबमिसिवली अप्रोच्ड द ग्रेटली इंड्यूरिंग रामा एंड वेंट अराउंड हिम इन सर्कम्बुलेशन देन ही इन्फॉर्म्ड हिम आई रियली सॉ सीता। दृष्टवा, यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं, दृष्टवा सीता इति तत्वतः, दृष्टवा देख लिया सीता माता को मैंने वास्तविक रूप में। इस प्रकार से हनुमान जी रामचंद्र मोहन को इन्फॉर्म करते हैं दैट वन ऑफ इनमेजरेबल इंटेलिजेंस सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयत अमे आत्मा। यहाँ पे हनुमान जी के विशेष गुण के बारे में बता रहे हैं, अमे आत्मा यानी इनमेजरेबल इंटेलिजेंस, जिनके पास असीमित बुद्धि है। तो असीमित शक्ति तो पिछले श्लोक में वर्णन कर दिए कि कैसे जो जिस लंका को देवता और असुर कोई भी जो है नष्ट नहीं कर सकते थे, इतने सुरक्षित थी रावण के शक्ति से, तो उसको हनुमान जी अपने ऐसे ही एक चुटकी बजाते बजाते ही जला के राख कर दिए। तो असीमित शक्ति का प्रदर्शन तो पिछले श्लोक में पता चल गया। अब यहाँ पे बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं, अमेय आत्मा, या असीमित बुद्धि भी थी हनुमान जी के पास। असीमित बुद्धि क्यों? एक तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि असीमित बुद्धि इसलिए क्योंकि हनुमान जी को का उस असुरों ने प्रयास किया मारने का, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जलाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, अनावश्यक रूप से उनके उसमें फंसना नहीं चाहते थे। वहां से तुरंत किसी तरह से काम निपटा के वो वहां से भाग निकले, भगवान राम के पास जाना है, सेवा को करना है, अपना सेवा संपूर्ण करना है। इसलिए अमेय बुद्धि, अमेय आत्मा, ये नहीं कि ये अभी हनुमान जी शक्तिशाली तो बहुत थे, वो चाहते तो सारे असुरों का वध कर देते, रावण भी कुछ नहीं था, रावण को भी मार देते। तो अगर कोई बहुत शक्तिशाली है और ऊपर से वहां पे वो देख रहे हैं कि ये राक्षस लोग उनको हानि पहुंचाने, क्षति पहुंचाने का कोशिश भी कर रहे हैं, उनका निंदा भी किए थे हनुमान जी का, काफी निंदा भी किया गया था और चैलेंज भी किया गया था और साथ में कष्ट भी दिया गया था, और ऊपर से उन्होंने देखा भी था सीता माता को कितना दुखी किया गया है। तो ऐसी अवस्था में किसी भी जो भक्त है या हनुमान जी जैसे जिस कोई भी व्यक्ति होगा, उसको अत्यंत क्रोध आएगा। और अगर वो शक्तिशाली है, प्रबल है, उसके पास योग्यता है, क्षमता है, तो निश्चित रूप में तो मारेगा ही। लेकिन हनुमान जी असीमित बुद्धि के थे, इसलिए वो संयम कर लिए और वहां से तुरंत वहां से निकल पड़े पवन रामचंद्र की सूचना के लिए। इसलिए असीमित बुद्धि। और तीसरा एक महान गुण बोला गया है कि हनुमान जी परम शक्तिशाली तो है थे, पिछले श्लोक में पता चला, और यहाँ पे असीमित बुद्धि का भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसके बाद भी सबसे पहले बोल रहे हैं नारद मुनि, स अभ्यगम्य महात्मानम। अभ्यगम्य मतलब होता है कि बड़े विनम्रता पूर्वक भगवान रामचंद्र के पास पहुंचे। ऐसा नहीं, इसका मतलब हनुमान जी के पास एक ही समय पे असीमित शक्ति भी है, असीमित बुद्धि भी है, और साथ ही साथ में बड़े विनम्र भी हैं। नहीं तो प्रायः जिसके पास थोड़ी भी शक्ति होती है, थोड़ी भी ज्यादा बुद्धि होती है, तो उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है। लेकिन हनुमान जी पूर्ण रूप से अपने आप को तुच्छ सेवक राम का समझ के विनम्रता के भाव से उनके पास पहुंच गए, और कृत्वा रामम प्रदक्षिणम, भगवान राम की प्रदक्षिणा करके और समाचार सुना देते हैं। दृष्टवा, सबसे पहले बोले हनुमान जी दृष्टवा, मतलब देख लिया मैंने, और किसको देख लिया, सीता माता को देख लिया तत्वतः वास्तविक रूप में। तो इस प्रकार से वर्णन कर देते हैं, महात्मानम इंडिकेट्स दैट दो लॉर्ड रामा वॉज फेवरिश इन सेपरेशन फ्रॉम सीता देवी, ही पजेस्ट पेशेंस दैट कुड नॉट बी वार्डेड ऑफ। हनुमान सबमिसिवली अप्रोच लॉर्ड रामा बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड द टास्क असाइन टू हिम। तो महात्मानम, यहाँ पे भगवान रामचंद्र का गुण भी बताया गया, महात्मानम। महात्मानम इसलिए क्योंकि हालांकि भगवान राम पूरी तरह से टूटे हुए थे माता सीता के विरह में, लेकिन फिर भी धैर्य को खोए नहीं थे, वो तो पूरा धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल करके, प्लानिंग करके, योजना बना के लंका पे आक्रमण करना ही चाह रहे थे, करने वाले, इसलिए महात्मानम बताया गया। सम अथॉरिटीज एक्सप्लेन दैट दो हनुमान कुट हनुमान कुड हैव सेड सीता दृष्टवा इंस्टेड ऑफ दृष्टा सीता, द फॉर्मर एक्सप्रेशन बाय द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज सीता अदृष्टा, विच इज ग्रामेटिकली परमिशिबल, बट मीनिंग आई डिड नॉट सी सीता, एंड सो हनुमान अनएम्बिगुअसली स्पोक द लेटर एक्सप्रेशन विच कैन ओनली मीन आई सॉ सीता।
अदर अथॉरिटीज एक्सप्लेन दैट द रीजन हनुमान से दृष्टा सीता इज टू इन्फॉर्म हिम फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क असाइन टू हिम दस रिवीलिंग हिज एक्सेसिव डिलाइट इन डूइंग सो। तो यहाँ पे दो अर्थ बताए गए हैं, एक तो हमने पहले भी चर्चा किया था कथा में। यहाँ पे हनुमान जी जब भगवान रामचंद्र के पास गए बड़े विनम्रता के साथ, और सबसे पहले वो दृष्टा सीता बोलते हैं, दृष्टा सीता इति, तो वो ये भी बोल सकते थे कि सीता दृष्टा, तो सीता दृष्टा ना बोल करके दृष्टा सीता क्यों बोला उन्होंने। इसके पीछे आचार्य लोग कमेंट्री देते हैं कि दृष्टा सीता इसलिए बोले कि वो ये बताना चाहते थे, दृष्टा बोलते ही मतलब उन्होंने ये सूचित कर दिया कि मैंने अपना कार्य कर दिया है, कंप्लीट हो गया है कार्य, तो इससे भगवान राम को तुरंत जो है संतुष्टि मिल जाएगी, उनका जो विरह है, जो चिंता है वो नष्ट हो जाएगी। और फिर बताया कि सीता माता को दे दृष्टा सीता, क्योंकि या दूसरा अगर बोलेंगे सीता दृष्टा तो उसमें ग्रामर के रूल के अनुसार सीता अदृष्टा शब्द भी प्रकट होता है, तो सीता अदृष्टा यानी इसमें डबल मीनिंग हो जा रहा है। डबल मीनिंग मतलब एम्बिग्यूअस बोलते हैं उसको, कि दो मीनिंग हो जाता है। तो हो सकता है भगवान रामचंद्र को दृष्टा असीता, सीता अदृष्टा सुनाई दे देता, सीता दृष्टा की जगह सीता बड़ा आ दृष्टा के साथ लग जाता, तो सीता अदृष्टा ना समझ लेते भगवान राम, या कंफ्यूज हो जाते कि इन्होंने राम हनुमान ने सीता दृष्टा या सीता अदृष्टा, सीता माता को देखा है, सीता को देखा है कि नहीं देखा है, तो कंफ्यूजन बना रहता, तो चिंता से मुक्त नहीं होते। तो इसलिए किसी भी प्रकार का संशय नहीं छोड़ना चाहते थे हनुमान जी, जिसके कारण भगवान राम को चिंतित रहना पड़ जाए, इसलिए दृष्टा सीता दृष्टा पहले बोल दिए कि हाँ मैंने देख लिया है, यानी अपना टास्क जो है कंप्लीट कर दिया है, खोज कंप्लीट हो गई है, अब आपको तैयारी करके निकल पड़ना है लंका की ओर। इस प्रकार से बहुत सुंदर अद्भुत है रामायण, भले ये संस्कृत में है थोड़ा हम लोग कम समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी, अनुवाद भी है, तात्पर्य भी है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो एक एक श्लोक के एक एक शब्दों में बड़ा सुंदर व्याख्या है, और भगवान और भक्तों के हनुमान जी के विशेष रूप से इस प्रसंग में कई दिव्य गुणों का और उनके भाव का, शुद्ध भक्ति के भाव को ये प्रकट करने वाले सब श्लोक। तो इसी के साथ यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।